हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस अग्रवाल ऑफिशियल में। और मेरा नाम है अमित कंसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसको क्या है लाभ और हानि बोलते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ में कुछ जो स्टूडेंट हैं उनकी भी डिमांड आ रही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बना के दें कुछ, तो आज चलो मैं उसको लेके आया हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। कई बार हम खरीदारी वरीदारी करते हैं तो वहाँ कहीं हम बेवकूफ़ ना बन जाएं, तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। उससे पहले जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो पॉइंट आते हैं, उनको समझ लेना ज़रूरी होता है। कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में क्रय मूल्य भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? क्रय मूल्य बोला जाता है। मतलब वो मूल्य जिस पे किसी चीज को खरीदा जाए, या वो प्राइस जिस चीज़ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदते हैं। जैसे कि मैं मार्केट में गया और मैं सेब खरीद के लाया हूँ 30 रुपये किलो के हिसाब से, तो 30 रुपये क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा उन सेब का। इसी तरीके से जो दूसरा मैंने बोला था वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में जो है विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, या सेलिंग प्राइस क्या होता है? ये वो प्राइस होता है जिस पे क्या है किसी चीज को बेचा जाता है। अब जैसे मैंने 30 रुपीज पर केजी सेब तो खरीद लिए थे, अब मैं मान लेता हूं कि मैं दुकानदार हूं, मैंने आगे जाके क्या कर दिया उसको 50 रुपये किलो में बेच दिया, तो यहां पे जो 50 रुपये जिस कीमत पे मैंने बेचा है वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझ गए हों तो इन्हीं दो चीज़ों की वजह से, इन्हीं सीपी और एसपी की वजह से ही हमें क्या है प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। जैसे कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी भी लिख देते हैं। यदि सीपी क्या हो हमारे पास? बड़ा हो एसपी से। सीपी क्या हो? बड़ा हो एसपी से। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब मैंने कोई चीज़ तो ज़्यादा में खरीदी है लेकिन उसको क्या कर दिया? कम में बेच दिया। तो इस केस में क्या होता है? हमेशा हमें लॉस होता है। इस केस में क्या होता है? हमेशा हमें लॉस होता है। जैसे कि कोई चीज़ मैंने 50 रुपये में खरीदी और उसको 40 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या है? मैंने खरीदा तो ज़्यादा में है लेकिन उसको बेच कम में दिया, तो इस केस में क्या होता है? लॉस होता है। तो ये किसका केस होगा? लॉस का। यहाँ पर लॉस हो जाएगा मुझे, या कोई शॉपकीपर होगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से यदि एसपी सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस क्या हो? बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या हो? ज्यादा हो। जैसे कि मैंने 50 रुपये में कोई चीज खरीदी और 60 रुपये में उसको बेच दिया, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है, सेलिंग प्राइस क्या है? 60 रुपये है। तो इस केस में हमें क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट होता है। इस केस में क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी आप समझ गए होंगे। लॉस को हिंदी में हानि बोला जाता है और प्रॉफिट को लाभ बोला जाता है। अब यहां पे हमें सिंपली यदि पूछा जाए कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूं, लॉस को शॉर्ट में कैपिटल एल से डिनोट कर देंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखा था, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखा था, उसी तरीके से प्रॉफिट को क्या है? पी से डिनोट कर देते हैं। तो यदि बोला जाए कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये देखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम क्या कर देते हैं? बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। मतलब एसपी में से सीपी को क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से लॉस, ये देखो लॉस वाला केस ये था, लॉस में कौन बड़ा होता है? कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो लॉस का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस में से हम क्या कर देंगे? सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, ये भी देख लिया हमने। इसी तरीके से अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को भी देख लेते हैं।
पर्सन के बारे में आपको पता होगा, जिसका डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 100 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट या प्रतिशत बोलते हैं। प्रॉफिट का परसेंट निकालना है और लॉस का परसेंट निकालना है। तो जिस चीज का भी परसेंट निकालते हैं, मैं फॉर्मूले को याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो ये प्रॉफिट ही लिखा जाएगा अपॉन में। यहाँ पे देखो जैसे कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो लॉस अपॉन में। अब अपॉन में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा के हमेशा क्या है, सीपी पे निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, उसको हम हमेशा क्या है, सीपी पे ही निकालते हैं। तो इन दोनों के अपॉन में क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ये इसके अपॉन में भी क्या होगा, सीपी होगा। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर किया जाता है। इस चीज को आप मत भूलना, बहुत बार ये चीज भूल जाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट को याद रखने के लिए, आप एक चीज और याद रखना कि हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं या कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले याद रखने का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो जिस मीडियम का हो वो उससे समझ लेना। जैसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹480। क्या है ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है किसी आर्टिकल का, ₹480 है। ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी वाले भी, हिंदी में भी जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ₹480 है। एंड इट्स सेलिंग प्राइस, ये देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 500। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ये रहा 500। और हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। प्रॉफिट परसेंट मतलब पी परसेंटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था प्रॉफिट परसेंटेज का, आपको याद होगा वैसे। अभी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। अब देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो याद हो गई, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस तो दिख रहा है ₹480 है, कॉस्ट प्राइस तो दिख रहा है ₹480 है, ये 100 तो 100 है, ये तो इतना ही रहेगा। लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट निकालने का तरीका, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट निकालने का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया था, प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना है, ₹500 है। विक्रय मूल्य कितना है, ₹500 पुट कर दूंगा, माइनस का माइनस ऐसे ही लिख दूंगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य देखो कितना है, ₹480। या कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी देख सकते हैं इंग्लिश में ₹480 है, तो इसमें से 480 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो 500 में से 480 गए तो कितने बचते हैं, ₹20। तो ₹20 का क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो जब हमें प्रॉफिट पता चल गया है तो प्रॉफिट परसेंटेज को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है, ₹20 का, अपॉन में सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹480। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100 तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा काट पीट के हम इसको सॉल्व कर देंगे। 0 से ये 0 कटेगा, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 24 टाइम, ये ख़त्म हो गया है न्यूमरेटर। अभी देखो 4 से ये 4 से काट सकता हूँ 6 टाइम, 4 से ये कटता है 25 टाइम्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आया है वो कितना बन के आया है, ये 25 न्यूमरेटर में है और अपॉन में 6 डिनोमिनेटर में है। तो हम देखेंगे क्या ऐसा
ऑप्शन है, तो ऐसे तो ऑप्शन देते नहीं है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर देते हैं। तो 6 की टेबल 25 तक पढ़ूंगा तो 6 गुना 6 चौक 24 प्लस 1 और अपॉन का यही 6, तो 4 से ही 1/6%, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं होल नंबर 4 1 अपॉन में 6%, ये क्या निकला है हमारा, प्रॉफिट परसेंट निकला है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये सी, तो ये सी इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति एक मेज 225 रुपए में खरीदता है, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 325 रुपए दे रखा है, या यहाँ पे परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना ही होता है, ये कितने में परचेज की, एक टेबल को परचेज किया है 325 रुपए में। ही स्पेंट रुपीज 25 ऑन इट्स रिपेयर, या 25 रुपए इसकी मरम्मत में भी खर्च कर दिए हैं, मरम्मत में भी 25 रुपए खर्च कर दिए हैं। तो ये देखो ये तो खर्चा ही हो रहा है ना, ये तो खर्चा ही हो रहा है एक्स्ट्रा, 325 रुपए में मैंने एक मेज खरीदा और 25 रुपए इसमें और लग गए मेरे, तो कुल मिला के ये तो 325 प्लस 25 350 रुपए में पड़ा है ना मुझे, तो जितने में टोटल खर्चा हुआ है खरीदने में वो हम लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सीपी को सिर्फ 325 नहीं लिखा जाएगा, बच्चे यही गलती कर सकते हैं कि अब ये रुपीज 25 कहाँ से आया, इसका क्या करें, तो कभी भी सीपी दे रखा हो और उस पर कुछ अलग से खर्चा दे रखा हो तो उसमें हम एक्चुअल सीपी लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्चुअल सीपी। या हो सकता है कि मैंने मेज यहाँ पे मेज खरीदा होता 325 में, अब उसको दुकान से खरीदा है, दुकान से अपने घर तक पहुँचाना है तो ऑटो करना पड़ा, ऑटो रिक्शा करना पड़ा, कुछ उसमें भी किराया लग गया, तो वो भी एक्चुअल सीपी में ऐड किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो भी है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 325 रुपए तो खर्च किए ही किए थे मेज को खरीदने में, लेकिन 25 रुपए उसके रिपेयरिंग में भी और लग गए, तो जो एक्चुअल सीपी है वो यहाँ पे कितना लिया जाएगा, 350 रुपए लिया जाएगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ही सोल्ड द टेबल फॉर रुपीज 420, 420 रुपए में क्या कर दिया, टेबल को बेच दिया, ये देखो मेज को 420 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये जो 420 रुपए है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना हमने, मतलब उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी पड़ी थी, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, पर चलो फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, बार बार लिखेंगे तो ये जल्दी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, तो SP कितना है यहाँ पे, 420 रुपए, 420 रुपए में बेचा था ना, तो SP की जगह पे मैं रख दूंगा 420 माइनस CP, तो CP तो वैसे 325 रुपए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल CP को रखा जाएगा, एक्चुअल CP हमारा कितना निकल के आया था, 350 रुपए, तो 420 में से 350 जाएंगे कितना रहता है, 70, कितना रहता है, 70 रुपए। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, अब मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे अभी भी निकला है कितना है, 70 है। फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैंने बोला भी था कि ये चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो चाहे लॉस परसेंट निकाल रहे हो, हमेशा किस पे निकाला जाता है, CP पे, तो CP ये वाला 325 नहीं, एक्चुअल CP को हम पुट करेंगे जो कि है 350। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना तो भूलना ही नहीं है, ये देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 1 टाइम और 7 से ये 5 टाइम्स, इसी तरीके से 5 से ये 1 टाइम और 5 से ये 120 टाइम, तो 1 × 20 बचता है यहाँ पे, 1 × 20 कितना होता है, 20%, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 20% का हुआ है, ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है ये ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। आपको तो OMR सीट में क्या करना होगा, गोला बनाना होगा, वहाँ पे उस सर्कल को फिल करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 14250, सेलिंग हुई है इतने में, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये
एक वस्तु को 14,250 रुपए में बेचने पर, बेचने पर है तो इसका मतलब बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 14,250। अ मैन सफर्स अ लॉस, ये देखो लॉस हुआ है मैन को, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 750 रुपए का, या हानि उठाता है, कितने की हानि उठाई, रुपीज 750 की। तो यहाँ पे हमारे पास तो एक तो सेलिंग प्राइस दे रखा है और दूसरा हानि दे रखी है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 होगा, लेकिन यहाँ पे हमें सीपी तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही लॉस का फॉर्मूला क्या होता था, याद हो आपको, तो सीपी माइनस एसपी होता है, लिखाया था स्टार्टिंग में मैंने, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यदि यहीं से मुझे अब क्या करना है, सीपी निकालना है, तो सीपी कितना हो जाता है, इस एसपी को मैं इधर लेके आऊंगा तो यहाँ माइनस में इधर आके प्लस हो जाता है, तो लॉस प्लस एसपी। इस तरीके से आपने सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, बस ये मैथमेटिकल इक्वेशन या ट्रिक्स कैसे होती हैं उनको याद रखना है। तो देखो लॉस यहाँ पे कितने का दिया है, 750 रुपये, प्लस सेलिंग प्राइस कितना है, कितने रुपए में बेचा था, 14,250 में, 14,250। अब देखो ये 14,000 तो पूरे हैं, ये 750 और ये 250, 750 और 250 हजार बनेंगे, और 14,000 तो थे ही थे, तो ये 15,000 हो गया, या आप जैसे भी ऐड करते हो आप वैसे ऐड करना। तो 15,000 रुपये क्या है, सीपी है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। लॉस परसेंट में जिस चीज़ का परसेंट निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में होता है, लॉस का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो लॉस क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा। और लॉस कितने का था, 750, या हानि कितने की थी, 750 की। तो 750 ऐसे लिखा जाएगा अपॉन में, और मैंने याद रखने के लिए बोला था चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहीं पर अपॉन में हमेशा क्या रहता है, सीपी रहता है, चाहे लॉस परसेंट निकालो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो सीपी कितना है, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 15,000 रुपये है। आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखना नहीं भूलना। तो ये देखो ये दो जीरो हैं, ये दो जीरो यहाँ पे ऐसे कट हो जाएंगी, इसी तरीके से ये एक जीरो, ये एक जीरो कट हो जाएगी, और 15 की टेबल तो आपको आती ही होगी, 15×5 75, 15×5 75, तो 15 से 1 टाइम या 5 टाइम, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5%। तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो कितना होगा, 5% का होगा, जो कि ऑप्शन ए में हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे करके इनमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी करेंगे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 3,300 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, ये देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 3,300 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो ये देखो ये 10% में ये क्या दे रखा है, ये लॉस परसेंट दे रखा है, ये लिखा था यहाँ पे सोल्ड एट अ लॉस, लॉस परसेंट दे रखा है हमारे पास और कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और हमें क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है। हिंदी में भी समझा लेता हूँ, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये देखो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, जिसको कि हम क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं, जिसका क्रय मूल्य, ये देखो क्रय मूल्य कितना है, 3,300 रुपये, और 10% की क्या है, हानि है, हानि है 10% की। तो ये जो हानि परसेंट है और ये क्रय मूल्य है, इससे हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लिखाए थे वो, ताकि यहाँ पे उसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में रिलेशन होता है। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से भी होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100।
ये तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट में है। देखो जब प्रॉफिट होगा प्लस है, देखो प्रॉफिट होता है तो हमें फायदा होता है, फायदा होता है तो प्लस, इस तरीके से याद रखना है आपने। इसी तरीके से लॉस परसेंट में क्या होगा एसपी का फॉर्मूला, तो एसपी इक्वल्स टू ये सीपी एज इट इज रह जाता है इनटू लॉस है, लॉस है तो हमको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो जो चीजें नुकसान में जाती है उसको हम माइनस लेते हैं, तो सेम यहां पे क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। अब बात आती है ये तो एसपी के फॉर्मूले हैं, जब हमें एसपी निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे भी हमें क्या है एसपी निकालना है, एसपी निकालना है और हमें क्या क्या दे रखा है, ये सीपी दे रखा है और साथ साथ में क्या है लॉस परसेंट दे रखा है। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये सीपी हमें दे रखा है और ये लॉस परसेंट भी हमें दे रखा है और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखा होता है और हमें कॉस्ट प्राइस पूछ लेते हैं, क्या दिया होगा ये सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या सेलिंग प्राइस लॉस परसेंट दिया होगा और हमें क्या पूछ लिया जाएगा सीपी पूछ लिया जाएगा। तो फॉर्मूला यही रहता है, बस इसको लिखने का तरीका, देखो कॉस्ट प्राइस पूछेंगे तो ये 100 यहां डिवाइड में ये एसपी के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला जो पार्ट है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा एसपी के साथ। तो यहीं से हमारे पास सीपी का फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी तरीके से ये वाले से यदि मुझे सीपी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाता है ये एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, या इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब एसपी निकालना हो तो 100 डिवाइड में होता है और जब सीपी निकालना हो तो 100 न्यूमरेटर में होता है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को करवाता हूं मैं, ये तो अब आपको पता चल ही गया ये सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा था वो यूज करना है हमें यहाँ पे। तो एसपी निकालना है तो एसपी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला अभी लिखाया था क्या होता है सीपी, तो सीपी तो यहाँ पे दे रखा था 3300 रुपये इंटू इंटू में क्या था 100 माइनस लॉस परसेंट था, तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना है 10% है तो 100 में से 10 माइनस करूँगा और अपॉन में 100 रहता है, यही था। तो इसको देखो शॉर्ट ये दो जीरो यहीं पे काट लेता हूँ तो ये कितना रह जाएगा 33 इंटू 100 में से 10 गए 90, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो ऐसे लिख लेता हूँ 9 की टेबल, 9 3 27 का 7 2 कैरी, 9 3 27 प्लस 2 29 2970। तो ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे भी है ए ऑप्शन ही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा 2970 रुपये रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सोने के कंगन को 14,500 में विक्रय करने पर, बेचने पर, मतलब ये सेलिंग प्राइस है 14,500, इसमें 20% की हानि होती है, यहाँ पे भी देखो हानि प्रतिशत दिया हुआ है 20%। सोने के कंगन का क्रय मूल्य वही वाला पिछला वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां सेलिंग प्राइस पूछा था, यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस पूछ लिया है, तो बताया था मैंने वही किस तरीके से निकालते हैं सीपी इक्वल्स टू एसपी दे रखा है यहाँ पे तो एसपी हम लिख देंगे 14,500 रुपए, वहां 100 डिवाइड में होता था, यहां क्या करेंगे न्यूमरेटर में करेंगे, वहां डिनोमिनेटर में होता था यहां न्यूमरेटर में, अपॉन में हानि हो रही है 20% की, तो हानि हो रही है तो 100 में से इस हानि को माइनस करके लिख देते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे अब और खत्म है ये, इंटू 100 अपॉन में 80, ये एक जीरो से ये एक जीरो काट लेते हैं, 8 से ये पूरा तो नहीं कट पाएगा, इसलिए क्या करते हैं यहां से ये जीरो नहीं कटवाते हैं,
ये जीरो यहाँ से कटवाते हैं, 8 से अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया है, तब मुझे पता चला है कि 8 से ये नंबर पूरा का पूरा कट रहा है। 8 वन जा 8, 6 5, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 1 0, 8 वन जा 8, 2 0, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 1812.5 आया है। और 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, ये देखो 1812.5 आया है। रिन टू 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 है तो ये 1 पॉइंट राइट की तरफ चला जाएगा, तो 18125 रुपये क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। ऐसा ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये डी ऑप्शन को टिक कर देंगे हम, ये वाला सही होगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो यहाँ तक अभी तक जो मैंने कराया है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जो एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे आपसे। लेकिन क्या है, अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हैं, उनको आपके पास बुक तो होगी ही, रेडियन पब्लिकेशन, रेडियन पब्लिकेशन की, तो उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी दे रखे हैं और आपके एग्जाम में आते भी हैं, तो उन स्पेशल क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको ताकि आप उनको जल्दी से कर पाओ। जैसे कि यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तु है और इनका क्रय मूल्य, 3 वस्तु है और इनका विक्रय मूल्य, और ये आपस में क्या है, बराबर है। या इंग्लिश में पढ़े जो कॉस्ट प्राइस है 4 आर्टिकल्स का वो इक्वल है, इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है, वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स के, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल के। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन हो कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उस वाले केस में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 4 वस्तुओं, 4 वस्तु नहीं लिखूंगा मैं, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बॉड मास रूल में आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या है ये कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, इस तरीके से लिख देंगे 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इसका इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, 4 गुणा CP। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आप सिर्फ अपने एग्जाम में ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, जब आप अपने स्कूल में होंगे तो स्कूल के एग्जाम में मत कर लेना ये इस तरीके से, तब तो आपको बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं देंगे आपके टीचर। ये आपको सिर्फ JNV के एंट्रेंस एग्जाम में ये ट्रिक यूज करनी है। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये देखो बराबर था तो बराबर का मैंने चिन्ह लगा दिया, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 है विक्रय मूल्य, के का मतलब मल्टीप्लाई होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी देख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई है, 3 आर्टिकल्स है तो ये 3 से। अब हमने क्या करना है, ये जो CP और SP है उनको एक तरफ रखना है और जो ये 3 और 4 है उनको एक तरफ रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस SP को हटा के यहाँ से इधर की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ CP पहले से ही है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। अब ये देखो ये 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, इस 4 को मैं हटाऊंगा तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से देखो जो CP के सामने है वो CP रहेगा, तो CP हम मान सकते हैं कि 3 रुपये है। इसी तरीके से SP सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम मान सकते हैं कि कितना है, 4 रुपये है। तो देखो क्रय मूल्य 3 रुपये है और विक्रय मूल्य 4 रुपये है, इसका मतलब विक्रय मूल्य यहाँ पे बड़ा है, बड़ा है विक्रय मूल्य तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, 4 में से 3 माइनस कर दो 1 का, तो 1 रुपीज का क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, हम ये मान सकते हैं। और उन्होंने हमसे क्या पूछा था, गेन परसेंट। हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट को जो है गेन भी बोला जाता है, प्रॉफिट को क्या है, गेन भी बोला जाता है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला तो अब याद हो ही गया होगा अब तक आपको, प्रॉफिट परसेंट बोला है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपये का। दूसरा क्या बोला था, हमेशा CP पे निकाला जाता है, तो CP यहाँ से देख लो, CP कितना है, 3 रुपये।
तो 1/3 परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 मत भूलना। 1 × 100 कितना होगा, 100/3। तो ऐसे में तो ऑप्शन देते नहीं है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम आंसर देंगे। तो ये 33 टाइम पूरा डिवाइड होगा, एक रिमाइंडर बचेगा और 1/3, 33 से ही 1/3% प्रॉफिट। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो उसको हम टिक कर देंगे। ये रहा यहाँ पे डी, ये डी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बेसिक तरीके से तो बुक में भी दे रखा है, होगा आपको वहाँ से समझ लोगे। मैं तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ ताकि आप क्या है ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से फटाक से कर दें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है। वो तो अभी पता चल जाएगा, उसी ट्रिक से करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो तो पता चली जाएगी। तो ये देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऐसे लिखा जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 आर्टिकल। ये देखो हिंदी में भी ये ऐसे ही होगा, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 7 वस्तुओं का मतलब मल्टीप्लाई, क्रय मूल्य मतलब CP, बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब आपको याद होगा पिछला वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ये CP SP एक तरफ, ये जो 7, 10 थे इनको एक तरफ, तो इस SP को यहाँ से हटा के इधर लाया जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, CP तो यहाँ ऐसे है, ये ऐसे ही रहेगा, ये SP यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। इसी तरीके से 10 तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, इस 7 को हमने हटाना है, यहाँ से वहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो CP के सामने जो है वो CP है, SP के सामने जो है वो SP है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है, 7 रुपये। तो देखो यहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, बड़े में से छोटे को घटा दो, 10 में से 7 गया तो कितना बचता है, 3। तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला था, तो लॉस परसेंट हम जल्दी से यहाँ पे निकाल देंगे। लॉस परसेंट बोल रहे हैं तो लॉस 3 रुपये का हमेशा CP पे निकाला जाता है, तो CP कितना है, 10 रुपये इंटू 100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30%। तो यहाँ पे जो लॉस परसेंट निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 30%। ये रहा 30%। ये जो दो क्वेश्चन अभी किए हैं ये स्पेशल क्वेश्चन है, तो शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया है। आप अपने JNV के एंट्रेंस एग्जाम में तो इस तरीके से यूज़ कर लेना, लेकिन स्कूल में जब आएगा तब आपको प्रॉपर बेसिक तरीके से करना होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ये भी स्पेशल क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 की दर से संतरे खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ है, एक फ्रूट सेलर है वो क्या करता है, 1 रुपये में 2 इस तरीके से संतरे खरीदता है, 1 रुपये में 2, और ₹3 के 5 की दर से संतरे बेचता है, 3 रुपये में 5 वो बेच दे रहा है। यहाँ पे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सिर्फ 2 ही संतरे खरीदे, हो सकता है वो ज़्यादा खरीदे हों, लेकिन जो रेट है उसका, किस रेट से खरीदा है, 1 रुपये में 2, और बेचा किस रेट पे है, 3 रुपये में 5 के रेट से बेचा है। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे उनमें हमेशा ऐसे होगा कि इतने रुपए में इतने वस्तु की दर से खरीद कर इतने रुपए में इतने की दर से बेच दिया, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ जाना, उसके हिसाब से मैं फिर आपको ये समझाता हूँ। तो ऐसे वाले केसेस में हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा याद रखना है, हमने जो ये पैटर्न है इस तरीके से लिख देना है, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, तो जितने रुपए भी हैं ये याद रखना कि पहले रुपए आएगा, फिर वस्तु, फिर रुपए, फिर वस्तु। तो यहां पे देख लेंगे, पहले क्या है, 1 रुपए में 2 वस्तु, 1 रुपए में
दो वस्तु, और दूसरे वाले में क्या है, 3 रुपए में 5, तो कितने रुपए हैं, 3 रुपए, तो रुपए के नीचे रुपए लिख दूंगा, वस्तु के नीचे 5 वस्तु लिख दूंगा, इस तरीके से। बस इस पैटर्न को याद रखना कि हमने किस तरीके से लिखना है। उसके बाद चाहे तो हो सकता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा हो या हो सकता है कि लॉस हो रहा हो। वैसे इस क्वेश्चन में तो उन्होंने बोल ही दिया है कि लाभ प्रतिशत है, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, हो सकता है कहीं पे लॉस भी हो। तो करने का तरीका क्या रहेगा, ये जो बीच वाले हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, बीच में जो हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीच में क्या है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो, या इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 कितना बन जाएगा, 6। अब इसमें से माइनस करेंगे तो बीच वालों को मल्टीप्लाई करके याद रखना है आपने कि उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। और किन को माइनस करना है, ये जो छूट गए हैं यहाँ पे, ये जो क्या है आपस में छूट गए हैं, तो कौन छूटे थे, ये 1 और 5, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 गुणा 5 कितना होता है, 5 होता है, तो माइनस करके हम ये 5 लिख देंगे। और अपॉन में यही वाला जो 5 आया था, या ये जो बच गए थे इनका जो मल्टीप्लाई था, वही हम इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना नहीं भूलना चाहिए। तो देखो 6 माइनस 5 कितना बन जाएगा, ये 1, डिवाइड में 5 तो है ही है और मल्टीप्लाई में 100 तो है ही है, तो 5 से ये 100 कटेगा 20 टाइम, और 1 × 20 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्या रहेगा, ये प्रॉफिट परसेंट रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना, ये आंसर यदि पॉजिटिव में आता है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो प्रॉफिट होता है हमेशा, और बाय चांस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू माइनस में आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, लॉस होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाता, जैसे ये 6 माइनस 5 है ना, हो सकता था कि यहाँ पे 5 माइनस 6 होता अपॉन में 6, क्योंकि यही वाला यहाँ पे नंबर बनता है इंटू 100। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो 5 माइनस 6, 5 छोटा है 6 बड़ा है, 5 में से 6 तो जाते नहीं है, तो हम 6 में से 5 को घटाएंगे कि जो कि 1 होता है, क्योंकि हमने उल्टा किया था तो ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस में आया है, तो ये माइनस क्या बता देता हमें कि लॉस हो रहा है। ठीक है, आप ये भी याद रखना कि पॉजिटिव में आ रहा होगा आंसर तो प्रॉफिट होगा, और नेगेटिव में आ रहा होगा तो ल�स होगा। तो ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैंने स्पेशल टाइप के भी करवा दिए हैं, तो इनको भी आप देख लेना, और जो भी बुक आपके पास है, वैसे तो रीडन की होगी आपके पास, तो आप उससे प्रैक्टिस ज़रूर करना, और कुछ भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई 100% करूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, आज के लिए ये वीडियो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट उसमें जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनके लिए भी मैं वीडियो बना लूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।